फिलहाल नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। नेशनल हेराल्ड केस का मामला, राहुल गांधी से आज भी डी पूछताछ करने वाली है। सुबह 11 बजे से पूछताछ शुरू उनके साथ हो सकती है। राहुल गांधी से कल ईडी ने 9.5 घंटे तक पूछताछ की और राहुल गांधी ने जांच एजेंसी से पूछा भी, क्या रात को यहीं रोकने का इरादा है? यदि हाँ तो मैं रात का डिनर की करके बात में आऊंगी। तो ये तमाम बातें आज भी काफी महत्वपूर्ण दिन, आज राहुल गांधी से फिर से ईडी पूछताछ करेगी और सुबह 11 बजे का समय जहां राहुल गांधी से पूछताछ हो सकती है, ईडी दफ्तर तक पहुंच सकते हैं। और अभी बड़ी जानकारी ये है कि ईडी दफ्तर तक जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अकबर रोड जनपद का रास्ता, पृथ्वीराज रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग से अलावा सुनहरी मस्जिद, मौलाना आजाद रोड, मानसिंह रोड, तुगलक लेन जंक्शन और गोल डाकखाना, पटेल चौक रोड भी बंद किया गया है। तो तमाम वो सारे रास्ते जो कि बंद किए गए हैं, ईडी दफ्तर तक जाने के सभी रास्ते, यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज का इल्म ईडी से जुड़े अधिकारियों को और पुलिस को भी एडवाइजरी के तहत आज भी जो पहुंच रहे हैं, आज देखिए व्यापक ज्यादा हुआ है। आज राजस्थान से भी वहां पर कूच का जो कार्यक्रम देर रात कल बना उसके तहत आज लोग पहुंचेंगे और उसके अलावा भी अन्य राज्यों से जब पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं इन रास्तों को बंद कर दिया गया है जो कि AICC से ईडी की तरफ जा सकते हैं। या फिर जिस तरह से आपको जानकारी अभी हम दे भी रहे हैं, राहुल गांधी से आज जब ईडी की पूछताछ फिर से होगी तो ईडी दफ्तर तक जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया गया है। अकबर रोड का यहाँ पर हमने आपको जिक्र किया, जनपद का रास्ता जो कि ईडी की ओर से होकर गुजरता है, पृथ्वीराज रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, सुनहरी मस्जिद, मौलाना आजाद रोड, मानसिंह रोड, तुगलक लेन जंक्शन, गोल्टा खाना, पटेल चौक रोड को बंद किया गया है। तो तमाम वो रास्ते जो कि बंद कर दिए गए हैं, अब कहीं ना कहीं आभास उनको इस चीज का भी है क्योंकि अब ये व्यापक हो चला है। अब कहीं ना कहीं इसे एक आंदोलन के तौर पर और मोर्चेबंदी के तौर पर जो कांग्रेस ने कल ऐलान के जरिए एक संदेश भेजने की कोशिश की, लगता है कि वो संदेश कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। पुलिस अधिकारियों तक एडवाइजरी के तौर पर भी कल भी एडवाइजरी का हवाला देकर के उन्होंने एंट्री नहीं दी थी और रोका क्या था। आज भी जब कूच के लिए लोग पहुंचेंगे तो शायद ऐसी ही तस्वीरें आज भी देखने को मिलेगी। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ जयपुर दिल्ली हाईवे से लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही AICC दफ्तर के बाहर से सहयोगी अदिति नागर भी लगातार बनी हुई है। सबसे पहले अदिति आपका रुख कर लेते हैं, AICC दफ्तर के बाहर फिलहाल क्या चहलकदमी, 11 बजे का समय और आज की अगर दिन की बात करें तो रास्तों को बंद आज भी किया गया है ईडी के दफ्तर के लिए, क्या पूरी अपडेट फिलहाल? पहले तो जो आपका सवाल था कि आज के जो रास्तों को लेकर, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपने सहयोगी कैमरा मुकेश से कि आप एक बार पीछे मुड़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से पूरा जाप्ता, आज पुलिस और CRPF दोनों के जो बल हैं वो ज्यादा मात्रा में हैं। दूसरा, हम यहाँ पर अकबर रोड सर्कल पे हैं, मैं दिखाना चाहूंगी कि ये पूरी रोड जो है ना ये जाती है AICC जी, और आज यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पुलिस बल है, संख्या ज्यादा है, CRPF के लोग ज्यादा हैं, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है और ये पूरी रोड जो है ये कल भी ब्लॉक थी लेकिन आज ज्यादा मात्रा में संख्या बल जो है पुलिस की मौजूद है। इसके अलावा एक वो इलाका है जो ये मानसिंह रोड है जहाँ से ईडी आप जा सकते हैं, इस पूरे इलाके से ईडी, लेकिन ये पूरी रोड कल बंद नहीं थी, इसको आज बंद कर दिया गया है जी। मैं और कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरीके से महिला पुलिस कर्मचारी भी तमाम लोग यहाँ पर हैं और ये सीनियर ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये महिला पुलिस कर्मचारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं तमाम जी। आज ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग हैं और आज सुबह 9 बजे जो है सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल भी हुई थी और इस तरह से इंतजाम है। अगर हम राजस्थान के लिहाज से पर्टिकुलर बात करें तो राजस्थान से जब आप आते हैं NH8 से जी, तो आप धौलाकुआं पहुंचते हैं और धौलाकुआं पहुंचते ही जब आप लुटियंस में आते हैं तो आपको सरदार पटेल मार्ग से होकर गुजरना होता है। तो धौलाकुआं और सरदार पटेल मार्ग के बीच में बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हालांकि जब मैं वहां से आ रही थी तब थोड़ा सा ओपनिंग दी गई थी क्योंकि वो सुबह 6:30-7 बजे का टाइम था, पर जिस तरीके से वहां पर भी तैयारी थी, NH8 से आने वाले किसी भी कार्यकर्ता को, अगर कोई गाड़ियों में भर के कार्यकर्ता आएंगे, अगर पुलिस को ये लगेगा कि इस तरह की स्थिति है तो वो उनको वहां पर रोक दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली में घुसने के और भी अलग तरीके हैं कि आप पैरोली या MG रोड या तमाम उस रास्ते से होकर गुजरें, लेकिन आपको बता दें मैं आपको और आगे की तरफ ले जाऊंगी जहां पर और ज्यादा इंतजाम है, लेकिन
आज सड़कें ज्यादा रोकी गई हैं, आज मूवमेंट और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो हम ये मान के चले थे कि आज कल की तुलना में ज्यादा सख्ती है। बिल्कुल, आजकल कल की तुलना में आज ज्यादा सख्ती है, ज्यादा पुलिस बल इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको बता दें कि कल से ये हो रहा था कि अगर आज भी राहुल गांधी को बुलाया जाएगा तो ना सिर्फ दिल्ली के कार्यकर्ता, एनसीआर के कार्यकर्ता, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के कार्यकर्ता भी जो हैं आज यहां पर आएंगे। और आपने जैसे बताया कि शिवेंद्र परमार उन सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों के साथ एनएच जयपुर दिल्ली हाईवे पर हैं और वो सब कोई दिल्ली को कूच कर रहे हैं। तो और ये भी टाइम दिया गया है कि 9 बजे सबको एआईसीसी दफ्तर खड़े होना है। तो ये देखना होगा कि यहाँ पर पहुंच भी कैसे सकेंगे, क्योंकि सीआरपीएफ से लेकर था, और आपने कल तस्वीरें देखी थी कि पुलिस ने, चाहे ये सत्याग्रह मार्च था, शांति से निकालना था, ऐसा कांग्रेस क्लेम कर रही थी, लेकिन पुलिस ने जरा सा भी हुड़दंग नहीं बर्दाश्त किया। और पुलिस ने ये भी देखिए, आपको बता दें, यहाँ वार्निंग लगी है, कल भी इस इलाके में 144 लगी थी, आज भी 144 सीआरपीसी लगी हुई है। अब 144 में अगर आप ग्रुप में आते हैं, एक झुंड में खड़े होते हैं, तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा, चाहे आप हुड़दंग कर रहे हैं सड़क पे, नहीं कर रहे, लेकिन 144 अगर लगी हुई है तो सर हम तो ऐसे से जाएंगे ना, तो 144 अगर लगी हुई है तो आप ग्रुप में नहीं आ सकते। देखिए, यहाँ तक पत्रकारों को एआईसीसी की तरफ जाने के लिए रोका जा रहा है। तो ये पूरा इलाका है, ठीक यहाँ पर एआईसीसी का दफ्तर है, हम आपको अंदर की अभी तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल अदिति, आप बने रहिए हमारे साथ में, रुक कर लेते हैं शिवेंद्र की। और शिवेंद्र NH8 से इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, कल देर रात इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसके बाद में राजस्थान से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया, फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें और क्या हलचल वहां पर, क्या चहलकदमी, जानकारी दीजिए। हलचल तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, दिल्ली आगरा, दिल्ली और जयपुर का जो हाईवे है जैती, लेकिन कल जो इमरजेंसी मीटिंग हुई थी पीसीसी में, उसके बाद अलग अलग खबरें हैं कि कई नेता निकले हैं, कोई 10 गाड़ी लेकर निकला है, कोई 20 गाड़ी लेकर निकला है, लेकिन जितने लोगों को कल जयपुर से, राजस्थान से दिल्ली निकलना था वो लोग कल देर रात तक ही निकल गए हैं। अभी सुबह जो जयपुर से दिल्ली का हाईवे है उस पर कोई मूवमेंट नहीं है, मैं जयपुर से नीमराणा तक का सफ़र तय कर चुका हूँ, एक भी ऐसी गाड़ी मुझे रास्ते में नहीं मिली जिसमें कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहे हो। तो अधिकतर लोग या तो पहुंच गए हैं कल रात को ही, या फिर हो सकता है कि वो और वेट कर रहे हो कि कोई और उनको मैसेज मिले दिन में, और कोई सूचना है, लेकिन फिलहाल जयपुर और दिल्ली हाईवे पर ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का जिससे कहा जा सके कि इस समय लोग दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस तरीके की खबरें हैं कि कल जब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रात को पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक बुलाई थी और निर्देश दिए थे नेताओं को, उसके बाद देर रात तक, 2 बजे तक, लास्ट 3 बजे तक काफ़ी सारे नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं जयपुर से। अब ये पता चलेगा दिल्ली में जाकर अदिति वहाँ पर हैं, वो बताएंगी कि उन लोगों को एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन ये जरूर है कि एक मूवमेंट बना है कांग्रेस के लिए। काफ़ी दिनों से कहा जाता रहा है कि कांग्रेस के जो आंदोलन है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर होते हैं, मोबाइल पर होते हैं, धरातल पर नहीं दिखते, तो कल वो देखने को मिला है जब कांग्रेस के बड़े नेता सड़कों पर थे, पुलिस से उनकी गुत्थम गुत्ता हुई है, और उम्मीद है ऐसी कि आज भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, खासकर जो नज़दीकी राज्य हैं दिल्ली से, जिसमें राजस्थान है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ के लोगों को मैसेज किया गया है कि आप कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली पहुँचें, जिससे कि कांग्रेस का जो संघर्ष है वो और बड़ा हो सके और दिखे कि अच्छी गैदरिंग है, अच्छे लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें फिर से देखने को मिलेंगी जो हमने कल देखा था कि अलग अलग थानों में, अलग अलग सड़कों पर जो कांग्रेस के नेता थे वो राहुल गांधी के समर्थन में नजर आ रहे थे। बिल्कुल शिवेंद्र, क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए कल रात मीटिंग भी हुई और कूच का ऐलान भी किया गया, ये कहा गया कि अपनी अपनी गाड़ियों से पहुंचे, लेकिन जब इस चीज का आभास हुआ होगा कि सख्ती वहां पर बड़ी है, आदित्य ने अभी जानकारी भी दी, सख्ती को देखते हुए क्या जो सड़क यात्रा है उससे छोड़कर अब या फ्लाइट्स के जरिए या ट्रेन के माध्यम से या कैसे भी, चूंकि 9 बजे का समय तो आईसीसी दफ्तर पहुंचने का है और आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि अभी चहलकदमी हाईवे पर नजर नहीं आ रही, तो या तो रात में निकल चुके हैं या फिर रूट चेंज किया गया है या फिर माध्यम चेंज किया गया है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, रूट बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, अगर सड़क से आपको जयपुर से दिल्ली जाना है तो जहां मैं अभी खड़ा होकर लैब कर रहा हूं इसी रास्ते से आपको निकलना पड़ेगा। रही बात फ्लाइट की, तो फ्लाइट में हो सकता है कुछ बड़े नेता जैसे पीसीसी के चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा और
उनके स्तर के जो नेता है मंत्री हैं वो लोग फ्लैट से गए होंगे, लेकिन बात थी भीड़ ले जाने की, तो भीड़ को तो आप एकदम से हवाई जहाज से नहीं ले जा सकते, और फ्लैट के भी बहुत ज्यादा ऑप्शन सुबह सुबह जयपुर से दिल्ली के लिए है नहीं। लेकिन ये सही है कि रात को काफी लोग, हो सकता है कि जयपुर से अगर हम अंदाजा लगाएं तो 50 से 100 गाड़ियां 2-3 बजे तक निकली हैं, तो अभी थोड़ी देर में दिखेगा कि कितने कार्यकर्ता नजर आते हैं राजस्थान के दिल्ली में। चलिए इस पर शिवेंद्र आप रुकी, अदिति से फिलहाल मैं जानकारी ले लेती हूँ। अदिति देखिए, शिवेंद्र को सुना आपने, उन्होंने कहा कि फिलहाल तो चहलकदमी नहीं है हाईवे पर, हो सकता है कि रात में 2 से 3 बजे का जो समय था, जो जानकारी आ रही थी कि तभी इस इमरजेंसी ऐलान के बाद निकल गए हो, अब 9 बजे तक पहुंचना है, क्या स्थिति बन सकती है, क्या लगता है इस अपडेट के बाद आपको? अदिति आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज महत्वपूर्ण दिन और लगातार आपको अपडेट भी इस पर रैपिड तरीके से दे रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का ये मामला, राहुल गांधी से ईडी की आज भी पूछताछ रहेगी और कल पूछताछ करीब करीब 9.5 घंटे, यानी कि आप समझ लीजिए कि सुबह से अगर ये पूछताछ शुरू हुई है तो देर रात तक चली, और राहुल गांधी ने इस पर कटाक्ष भी वहां पर किया, उनके साथ में उनके 2 वकीलों को हालांकि एंट्री दी गई थी, लेकिन पहले वो भी नजर नहीं आ रही थी पॉसिबिलिटी, बाद में जब मांग की गई तो 2 जो लीगल एडवाइजर थे उन्हें भेजा गया। ये दलील दी गई कि भले ही पर वो ऑडिबल ना हो वकील, लेकिन विजिबिलिटी उनकी वहां पर होनी चाहिए। इसको लेकर के जो तमाम चीजें हैं उन्होंने सुनी। शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, जानकारी फिलहाल अगर आप और इस पर साझा करना चाहें तो क्या होगी आज के दिन से जुड़ी हुई? देखिए जानकारी यही है जैती, कि जैसा मैंने आपको कहा इससे पहले कि काफी समय के बाद ऐसा संयोग बना है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो सड़कों पर दिखी है, और जैसा कल आंदोलन हुआ दिल्ली में, जिस तरीके का कल मूवमेंट दिल्ली में हुआ, उसके बाद यही कहा जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या राजनीति के जानकार लोग हों, कि इस मूवमेंट ने कांग्रेस में एक नई जान फूंकी है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है दिल्ली में केंद्र में, तब से बहुत बड़ा मूवमेंट कोई कांग्रेस का इस तरीके से देखने को नहीं मिला कि एक के बाद एक उनके बड़े नेता सड़क पर आए, अपने नेता के लिए संघर्ष करें। लेकिन जब उनके सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी को ईडी ने समन दिया, ईडी ने तलब किया, उसके बाद ये देखने को मिला है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक मंच पर हैं और आर पार के मूड में हैं। तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कांग्रेस के जो थिंक टैंक के लोग हैं, वो इस मौके को भुनाना चाहते हैं। उनको पता है कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है आम चुनाव में, और आने वाले दिनों में 2 से 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिनमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये जो मौका मिला है, ये जो एक मोमेंटम बना है, इसको कांग्रेस की लीडरशिप कंटिन्यू करना चाहती है, और यही कारण है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो मूवमेंट है उसे कनेक्ट करना चाहती है, और जनता भी जब इससे कनेक्ट होगी, यकीनन जो तस्वीरें कल देखने को मिली, कहीं ना कहीं जो सपोर्टर्स हैं कांग्रेस के, उनमें भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। अदिति हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई। अदिति देखिए, शिवेंद्र ने जानकारी अभी दी कि NH-8 पर वो मौजूद हैं अभी हाईवे पर, लेकिन फिलहाल चहलकदमी इतनी नजर नहीं आ रही। आप कह रहे थे कि 9 बजे पहुंचना है, तो हो सकता है संभवतः रात में सभी निकल गए हो, क्या अपडेट इस पर? देखिए दिल्ली में तो अभी राजस्थान, अगर हम गेस्ट हाउस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। साले मोहम्मद जी का कमरा बुक है, और इसके अलावा जो है एक नेता और वहाँ पर मौजूद है, रघुवीर मीणा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, जैसे अर्चना शर्मा हैं जो पहुँच चुकी हैं, वो रास्ते में हैं, उनको भी हर जगह रोका जा रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि कौन किसका क्या आई कार्ड है, कौन अंदर अलाउड है। तो बेसिकली पुलिस ने पूरा इंतजाम इस तरह से किया हुआ है कि मिनिमम किसी भी तरह का हुड़दंग हो, मिनिमम लोग ग्रुप में चल सकें, मिनिमम तमाम चीजें हो, जो कल हुआ वो आज ना होने दिया जाए। इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि ये AICC का ऑफिस है, बैरिकेडिंग लगा दी जा रही है, और ये 9 बजे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये था कि 9 बजे NCR के और देश भर से आए कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर जमा होंगे, लेकिन उससे पहले CRPF का जाब्ता, दिल्ली पुलिस का जाब्ता कल से बड़ी भी संख्या में है, ज्यादा बड़ी संख्या में है, यहाँ पर पूरी तैयारी है। तो ये पूरा AICC कांग्रेस ऑफिस का जो पूरा इलाका है, इसको रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है, 144 लगी हुई है, और यहाँ पर आवाजाही को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब राजस्थान से कई लोग जो हैं लगातार यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो यहाँ तक कैसे आ पाते हैं, वो अपना जो समर्थन है किस तरीके से दिखा पाते हैं, देखना होगा। क्योंकि लुटियंस का जो मेजर पूरा इलाका है, जो AICC और ED को जोड़ता है, वो पूरे ही इलाकों में
पुलिस और बैरिकेडिंग पूरी तरीके से और कल से ज्यादा मात्रा में लगा दी गई है। तो ऐसे में 9 बजे रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और कैसे मोमेंट होगा तमाम सीनियर नेताओं का, क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन यहाँ तक कि NH8 से आने वाले लुटियंस घुसने वाले भी बैरिकेटिंग लगा चुके हैं हर जगह 144 है आसपास के इलाकों में। तो अगर आप 4 या 5 जो है झुंड में निकलेंगे तो आपको रोक लिया जाएगा, अगर आप नहीं मानते तो आपको डिटेन भी कर लिया जाएगा। तो पूरा इंतजाम है। और वहीं कांग्रेस आज भी चाहती है कि वो सत्याग्रह निकाले, कोशिश भी करेगी, चाहे उसके लिए आपको ये शायद कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि चिकमंगलूर में जब वो 1977 की बात उन्होंने दोहराई थी तब भी जेल भरो आंदोलन हुआ था, इंदिरा गांधी के लिए लोग सड़कों पे उतरे थे जब इंदिरा गांधी को जेल में बंद कर दिया गया था, जब वो बाय इलेक्शन जीती थी उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार में उसे खारिज कर दिया गया था और उसके बाद उस इलेक्शन को और फिर उसके बाद उनको जेल में बंद कर दिया गया था, तब देश भर में कार्यकर्ता ने आंदोलन किया, कार्यकर्ता को बूस्ट मिला था और उस समय का जिक्र कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया था और ये भी कहा था कि जरूरत पड़ी तो वैसा करेंगे। तो अब अगर कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हैं, 144 लगी है, देखिए इस पूरे वाक्य से इतर ये सवाल है लेकिन जरूरी भी इस पर बात करना है। हाल ही में जो राज्यसभा चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन राजस्थान में रहा स्पेशली, और राजस्थान से मैसेज गया होगा आलाकमान तक और स्फूर्ति तो यकीनन यहां पर आई होगी जिस तरह से तीनों सीटों को साधा और बाहर भी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो कहीं ना कहीं क्या ये कह सकते हैं कि जो नव संकल्प चिंतन शिविर में जनता तक पहुंचने की बात थी, दिस कैन बी अ मीडियम टू रीच द टारगेट जो जनता है उस पर, क्या ये एक मीडियम था? और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के सपोर्टर्स थे उनमें अब इस पूरे मूवमेंट अगर इसे कहा जाए तो उससे नई स्फूर्ति मिलेगी आने वाले दिनों को देखते हुए? नो, एब्सोल्युटली यू आर राइट। चिंतन शिविर में जब उन्होंने दे हैव डिसाइडेड कि दे विल रीच अप टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, तो दिस इज द वे वो जो आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले उनका मकसद ये है कि वो बार बार कह रहे हैं कि ED, IT और ये तमाम लोग जो हैं वो गलत उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो वो जनता में यही मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस बेचारी है, कांग्रेस के साथ दबाव डाला जा रहा है, कांग्रेस ये एजेंसीज दुरुपयोग कर रही हैं और कांग्रेस को दबाव में डाल रही है। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे इंदिरा गांधी के समर्थन में लोग और पहले कार्यकर्ता उतरे फिर लोग उतरे जब उनको जेल में बंद किया गया, ठीक उसी तरह का माहौल यहाँ पर जेल भरो आंदोलन जैसा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन कहीं ना कहीं उस तरह की है कि उनके नेता को बार बार ED पूछताछ कर रही है, 10-10 घंटे से पूछताछ हो रही है, एक दिन होती है फिर दूसरे दिन वापस बुलाया जाता है। तो और ये कांग्रेस के लिए जरूरी भी है, कल काफी सारे कार्यकर्ता ये मान भी रहे थे कि जब तक हम पर प्रेशर नहीं आएगा तब तक हम उभर कर नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस बहुत कंफर्ट जोन में जा चुकी थी बहुत सालों में, पिछले कई सालों में जब उनको लगा कि उनके 2 बार टेन्योर पूरे हो चुके हैं यूपीए के, तो यूपीए सेकंड के दौरान में कांग्रेस एक कंफर्ट में चली गई थी, उसने एफर्ट लेना बंद कर दिया था, कार्यकर्ताओं ने लोगों से मिलना बंद कर दिया था, नेता मंत्री जो है अप्रोचेबल नहीं थे, तो ऐसे में उस समय किया गया और उसके बाद के जितने भी साल ये रहे उस समय कांग्रेस उस कंफर्ट में आ गई थी कि वो सड़कों पे उतरना बंद कर दी थी। अब जरूरत है, नीड ऑफ एन आवर है, और उस जरूरत से कार्यकर्ता सड़क पे उतरा। और देखिए कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, कार्यकर्ताओं को अपने नेता अपना काम चाहिए, तो कार्यकर्ता जो है जी वो सड़कों पे उतरा। कल आपने देखा कि किस तरह की तस्वीरें सामने आई और देश भर का कार्यकर्ता एक्साइट होगा, वो दिल्ली कूच करेगा, तो जो माहौल बनेगा वो कांग्रेस के हित में होगा, अगर राजनीतिक रूप से नहीं तो कम से कम अपने उनके संगठन के लिहाज से तो उनके हित में होगा कि वो अपने संगठन को कंसोलिडेट कर सके, अपने संगठन को मजबूत कर सके। निश्चित तौर पर अदिति, और देखिए जरूरी भी हो जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप इसे चुनाव के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट भी है, और अगर एक मजबूत विपक्ष भी बनाते हैं तो भी जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पल पल के अपडेट्स पर आगे भी लेते रहेंगे।